हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बैंगन की भरता की रेसिपी। तो आज ये मैंने लिया है एक बैंगन, ये मैंने इसमें दो तीन कलियाँ लगा दी हैं लहसुन की, नुका के दोनों तरफ काट के फिर लहसुन की कलियाँ लगा दी, जिनमें तेल लगा के फिर मैं रखूँगी इस पर, इसे गैस पर भूनने के लिए मैं तेल लगा फिर मैं रखूँगी इस पर गैस पर। इस देख सकते हैं आप, ये मैंने ली है एक जाली, इसके ऊपर से मैंने रख दिया बैंगन, ये भुन रहा है, ये अच्छे से लोट पलट करके इससे ये भुन जाएगा, तभी इसे मैं किसी बर्तन में रख दूँगी, फिर ये ठंडा होएगा जब तक। फिर मैं और कुछ प्याज वगैरह टमाटर वगैरह तैयार करूँगी, इसकी तड़का का सामान तैयार करूँगी, ये मैंने तड़का का सामान तैयार किया है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट में आप किस तरीके से भरता बनाते हैं। तो ये मैंने बस ठंडा हो जाएगा, फिर मैं ना पानी में नहीं डालूँगी, ऐसे ही मैं इसे छीलूँगी, फिर बस तड़का लगा। तो ये मेरा बैंगन भून चुका है, अब मैं बस थोड़ा सा और रह गया, ये लोट पलट करके यहाँ पे कहीं कहीं रह गया है, तो मैं पलट पलट कर ये सारी तरफ से भी भून लूँगी। ये भून चुका है, मैंने निकाल लिया है प्लेट में, ये ठंडा होगा जब तक मैं इधर करती हूँ सामान तैयार इसका। ये मैं ठंडा हो गया, मैं उंगली से ये सारा साफ़ कर देंगे, पानी में नहीं डालेंगे, तो क्या है बस ये हो जाएगा साफ़। फिर मैं किसी गिलास की सहायता से इसे भरता बनाऊंगी, ये भरता बन जाएगा फिर, मतलब अच्छे से गिलास से अच्छा सा बन जाएगा, उससे अच्छा नहीं बन पाएगा हाथ से इसलिए। और अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक। ये मैं बना रही हूँ भरता गिलास की सहायता से, ये गिलास से अच्छा बन जाता है। ये मैंने रख लिया कढ़ाई, और अब इसमें जाएगा सरसों का तेल जब तक हो रही है कढ़ाई गरम। और बैंगन का भरता अच्छा लगता है, अपने किसी से पसंद करते हो पूड़ी पराठे और या रोटी। और ये मैंने डाल दिया इसमें तेल, प्याज मैंने उधर काटा, दो घंटे प्याज के काटे बड़े बड़े, तो अच्छा लगता है ज़्यादा सा प्याज इसलिए। और ये हो गया तेल गरम, मैं रखूँ अच्छे से, और इसमें जाएगा प्याज, और ये मैंने डाल दिया है इसमें प्याज, जब तक ये थोड़ा रेड रेड सा ना हो जाए, जब तक इसमें प्याज टमाटर नहीं डालेंगे, और फिर हरी मिर्चें जाएंगी, फिर इसमें जो भी मसाले थे वो जाएंगे, क्योंकि वो ये ना कि ये इनको भी पसंद था, तो ये बोल लेते मेरे से कि बैंगन का भरता, कुछ सब्ज़ी नहीं दिख रही थी तो बैंगन रखा था एक घर पे, तो फिर ये बोल लेते चलो बैंगन का भरता बना लेते हैं, बना लो। तो फिर मैंने सोचा चलो बैंगन का भरता ही बना लेते हैं, जल्दी भी हो जाएगी। तो ये टमाटर काटे मैंने दो, और ये चार पाँच हरी मिर्च काटी, और ये डाल दिया मैंने टमाटर इसमें, और ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से भुन रहा है, खूब तेल छोड़ जाएगा जब ये मसाला, इसमें हरी मिर्च डाल दी मैंने, इसमें जा रहा है नमक, तक इसमें जा रही है मिर्ची, ये जा रहा धनिया, ये जा रहा पिसा हुआ जीरा, इसमें ये जा रहा आमचूर इतना, ये जाएगा बैंगन का भर, अब इसके साथ चाहे पराठे खाइए चाहे रोटी खाइए। ये मेरा हो गया बनके भरता बैंगन का तैयार, ये हो गया मेरा बैंगन का भरता तैयार बनके, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, देखने में जितना अच्छा है उतना ही खाने में अच्छा लगता है। आपका लंच बैग देख सकते हैं, ये भरता हो गया, ये खाना बस। वैसे आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो आपको नई नई मिलती रहेंगी देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, इसी तरीक़े से हमारी वीडियो आपको